जो किए गए हैं सितम यहाँ। मैं वो किस तरह से करूं बयां, जो किए गए हैं सितम यहाँ। सुने कौन मेरी ये दास्ता, कोई हम नशी है नाराज जो हमें सजे संवरे किरदार नजर आते हैं, असल में इनकी हकीकत बहुत दर्दनाक है। इन्हें मूरत कहा जाता है। इस भेष को अपनाना इनकी मजबूरी है। हिजरा, निर्वाण, छक्का, मुहन्ने, ये सब हमारे मौशे के एक ही किरदार के नाम हैं, जो पैदा तो इब्ने आदम हुआ मगर ना जाने कब से बिनते हवा का तवायफाना रूप धारे हमारे गली कूचों में नाचता चला आ रहा है। हम लोग इन्हें तमस्खर और नफरत की निगाह से देखते हैं, मगर ये वो हकीकत है जो किसी भी घर जन्म ले सकती है। ये मासूम लोग बचपन में ना इंसाफी के बायस अपने घरों से निकल तो आते हैं, मगर इन्हें मालूम नहीं होता कि घरों से बाहर कितनी जालिम दुनिया खड़ी है। हमारे लिए तो ये निहायत मामूली बात है, किसी हिजड़े को तंग करना, बुरे अलकाबात से पुकारना, मगर कभी हमने ये सोचा है कि इन मासूमों के दिलों पर क्या गुजरती है? हमारा रवैया किस तरह इनकी इज्जत नफ्स को मजरूह करता है? ये जानवर तो नहीं, हमारी ही तरह के इंसान हैं। इंसान की भूख और जरूरियात उसके साथ हैं, जिन्हें हर हाल में पूरा करना पड़ता है। इनमें अक्सर तो वो हैं जिनका रोजगार रात की तारीकी से शुरू होता है। हमारे मुआशरे के सताए हुए लोगों में से एक किरदार शाजिया का है, जो हालात की बदौलत आज यहाँ तक पहुंची है। हमारे साथ बहुत बदसलूकी की जाती है। अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया है और लोग इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। देखा जाए तो हम खुद तो नहीं पैदा हुए ना, इनको भी अल्लाह ताला ने पैदा किया है। अगर इसका पैदा किया है, इसमें कोई खुदा की कोई राज होगा। मैं इस फील्ड में आके बहुत तंग पड़ गई थी और अभी भी मैं इस फील्ड से बहुत तंग हूँ। मैंने एक दफा बुटीक बनाने का इरादा बनाया है कि मैं आराम से अपनी इज्जत से जिंदगी बसर करूंगी, तो इसी से अपनी कमाई और अपनी आमदनी का जरिया शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो हर किसी ने मुझे यही कहा कि तुम क्या करोगी। वो मेरा इरादा बनने से पहले उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया। तो फिर मैंने कहा वाकई ये सही कहते हैं, मैं बुटीक बना के बैठूंगी तो ये जो गुंडा टाइप के लोग हैं और फजूल किस्म के लोग हैं, ये आके फजूल घुसेंगे, मुझे तंग करेंगे, तो इससे अच्छा जहाँ पे बैठी हुई हूँ जुलम सह रही हूँ, इधर ही बैठ के जुलम सहती हूँ इन लोग। और हमारे फील्ड में जो होता है कि इसमें तो जितनी देर तक खूबसूरती या जवानी है उतनी देर तक तो बिल्कुल हमारा निजाम चलता रहता है। तो फिर थोड़ा जब ये खूबसूरती और जवानी जब नहीं रहती तो उसके बाद फिर यही है कि दुकानें मांगनी होती हैं या लोगों के घरों में बर्तन धोने होते हैं। हमें तो किसी चीज की कभी ना सहूलत हुई है और ना ही मुझे उम्मीद है कि कभी कोई सहूलत होगी हमें। मीडिया का काम क्या है कि गरीब आवाम के पास जाए, गरीबों की तकलीफों को देखे और वो सामने लाए। हम तो फिर भी जैसे नाच गा के अपना गुजारा कर ही लेती हैं, और जो एक कृपया रोडों पे मांगने वाली हैं उनका क्या होगा? दूसरे ममालिक में देखें कि वो जो हमारी फील्ड के हमारी कम्युनिटी के लोग हैं उनके साथ इतना अच्छा और रवैया होता है, उनके साथ इतना अच्छा उनको तहफ़ दिया गया, उनको नौकरियां दी जाती हैं, उनको हर चीज़ का तहफ़ दिया जाता है, उनके शनाख्ती कार्ड के ऊपर उनकी जींस भी लिखी जाती है। तो अगर
कुछ भी कोई इस तरह की कोई सहूलत नहीं है तो हमारे मुल्क में नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि हमारे लिए एक अलग से एक कॉलोनी होनी चाहिए, उसमें हमें मकानात दिए जाएं जहां पे हम सुकून से रहें। ये तो थी शाजिया की कहानी और मजबूरी, मगर इनमें ज्यादातर किरदार ऐसे हैं जिनका जरिए मुआश भीख मांगना दरबदर धक्के खाना है। ओ मैं तुझे मार के फेंक भी दूं ना तो लोगों ने कुछ नहीं कहना, यही कहेंगे कि खुसरा मर गया है, एक हिजड़ा कत्ल हो गया है। इनका ताल्लुक भी आम घरानों से होता है, मगर मुआशरती नाइंसाफी की बिना पर इन्हें अपना घर छोड़ना पड़ता है और ये अपने ही जैसों में आकर पनाह ले लेते हैं जहाँ इनको आपस में कोई ताना नहीं देता। इनकी आजमाइशें इनके साथ ही जन्म लेती हैं और कब्र तक इनका पीछा करती हैं। इन्हें ना तो कोई सेहत की सहूलियात मुयसर है और ना ही कानूनी तहफ्फुज़, यहाँ तक कि इन्हें इनकी असल शनाख्त से भी महरूम रखा जाता है। ऐसे में तो इंसान बुराई की तरफ ही रागिब होता है। शरीयत का जो उसूल है वो यही है, पर्दे का भी और विरासत का भी, कि जब इंसान क्योंकि ये किस में है, लड़कों में शुमार होंगे या लड़कियों में, तो हदीस शरीफ में जो उसूल है वो यही है कि अगर इनकी मुशाबहत वो मर्दों की तरफ ज्यादा है, यानी बाल दाढ़ी को गए हैं या मूछे हैं, तो फिर इनको मर्द शुमार किया जाएगा और विरासत में इनको बेटे का हक दिया जाएगा। जो अलामा जो लड़कियों की हैं अगर वो हैं तो इनको लड़की शुमार करके इनको विरासत का उसी तरह दिया जाएगा। हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं और उसकी तखलीक के साथ ऐसा सलूक क्यों है?